नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक पे आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे बड़ी पिक्यूलियर कंडीशन की, जो कि एक सामाजिक रूप से आपको बहुत पीछे ले जाती है, और वो भी बिला वजह। बिला वजह इसलिए कि आप उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप वो करते हैं। जी हाँ, बात करेंगे क्लेप्टोमेनिया की, यानी एक चोरी करने की, सामान चोरी करने की आदत की। कई लोगों को यह तकलीफ होती है, वह बता नहीं पाते पब्लिकली, लोगों से कह नहीं पाते हैं, साइकेट्रिस्ट पास जाते हैं, अपना इलाज कराते हैं, लेकिन उनका काम नहीं बनता। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, कुछ दिन पहले की बात है, अब जब ये हम वीडियो आज बना रहे हैं, कि अभी एक विदेशी हीरोइन थी, बहुत बड़ी हीरोइन थी, तो वह जो है किसी दुकान पे चोरी करते पकड़ी गई कोई सामान, और वो भी छोटा सा सामान था। अब एक हॉलीवुड की हीरोइन जो करोड़ों रुपया लेती है एक पिक्चर बनाने का, वो एक छोटा सा कोई अंगूठी नहीं चुराएगी, जो खुद हाथ में कार्टियर के डायमंड की, सिंगल डायमंड की जो है, सॉलिटायर की जो है वह अंगूठी पहने है, वो एक कुछ $100 की चीज चुरा के क्या करेगी। लेकिन उसकी वो आदत है जो उसको चोरी करवा रही है। उसको चोरी ना करे तो टेंशन, चोरी करे तो उसको दुख। तो ये जो अंतर द्वंद में आदमी फंस जाता है, आज हम आपको इससे बाहर निकाल देंगे। अगर आपको इसकी आदत है, बहुत कारगर दवाई आती है होम्योपैथी में इसको ठीक करने की। हम आपको बताते हैं क्लेप्टोमेनिया यानी चोरी की आदत को, सामान की चोरी की आदत को खत्म करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं क्लेप्टोमेनिया यानी सामान चोरी करने की आदत होती क्या है। क्लेप्टोमेनिया सामान चोरी करने की वो बात होती है कि आप कोई सामान चोरी करते हैं जिसकी आपके लिए बहुत वैल्यू नहीं है, उसके लिए बहुत कीमत आपके लिए नहीं है, वो आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आप वो काम, गलत काम करते हैं। तो यही होता है क्लेप्टोमेनिया यानी सामान चोरी करने की आदत। यह जो चोरी की आदत की सामाजिक बुराई है, मतलब उन लोगों को जिनको चोरी की जरूरत नहीं है, लेकिन वह चोरी तो सामाजिक बुराई है ही है, लेकिन यहां विषय हो रहा है कि आपको जरूरत नहीं है लेकिन आप चोरी कर रहे हैं सामान। तो इसको कारण इसके कई सारे हैं, इसका क्लियर बात आज तक नहीं पता है, लेकिन इस बात को ब्रेन में जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स आपके जनरेट होते हैं उससे जोड़ा जा सकता है। जैसे पहला स्थिति है कि आपको चोरी करके आपका जब लो मूड है तो आपने चोरी करी। अपने यहाँ एक न्यूरो ट्रांसमीटर जनरेट होता है ब्रेन में, जिसको कहते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हार्मोन जो होती है, यह आपका जो इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, लो मूड होता है, उसको ठीक करती है। तो जब आप इम्पल्सिव बिहेवियर हुआ आपके, क्योंकि एक इम्पल्सिव डिसऑर्डर है क्लेप्टोमेनिया, तो जो है जब आपके लो मूड हुआ तो आपको चोरी करने का मन करा, जब सेरोटोनिन सिक्रीट हुई और फिर आपने चोरी करी। दूसरी एक थ्योरी जो इसमें आती है वह आती है डोपामीन की। डोपामीन आपको प्लेजर और जॉय देती है। तो जब आपने चोरी करी, तो कुछ लोगों ने चोरी करी, उसके बाद उनके डोपामीन सिक्रीट होने लगा, उनको प्लेजर और जॉय मिलने लगा, तो वो इसी तरह चोरी की अनवरत आदत अपनी जारी रखते रहे, एक नशे की भांति। तो यह कुछ कॉजेस हो सकते हैं, संभावित कॉजेस क्लेप्टोमेनिया के। इसके सिम्टम्स आती हूं, सिम्टम्स इसके, जो मरीज कई इस तरह की आदत होती है, वह सामान चोरी कर नहीं कर पाता है तो बड़ी बेचैनी, एंजाइटी महसूस करता है, और सामान चोरी कर लेता है तो बहुत दुख महसूस करता है, उसको ग्रीफ होता है अंदर से कि हमें तो इसकी जरूरत ही नहीं थी, हम इसको क्यों चोरी कर लाए। लेकिन चोरी तो चोरी है, ये समाज कहाँ ये बात को समझता है, और समाज क्यों समझे। जिसके दुकान से चोरी हो रही है वो तो यही अफसोस करेगा कि आपने उसके यहां से सामान चुराया, तो अपराध तो अपराध है, आपका दिमाग आपके साथ है, लेकिन सामने वाले के लिए वो अपराध है और वो सही है। तो आप ये गलत काम ना करें कि सामने वाला हर बार सही साबित हो और आप गलत साबित हो। आप इस आदत को छोड़ दें, और हम आपको आदत छुड़ाने में मदद करते हैं, आपको बताते हैं इस बुराई को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। दवाएं बताने से पहले साथियों बता दें, यह वीडियो आपकी जानकारी के लिए है। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लीजिएगा, प्रिस्क्राइब कराए बिना ना लीजिएगा, क्योंकि हर दवा के सिम्टम हर व्यक्ति पर भिन्न होते हैं। चलते हैं साथियों, बताते हैं आपको
चोरी की आदत रोकने का 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों, नंबर एक दवा जो होम्योपैथी में क्लेप्टोमेनिया यानी जरूरत ना होने पर भी सामान चोरी करने की बुरी आदत, इसकी नंबर एक दवा होम्योपैथी में वह एब्सिंथिनम। एब्सिंथिनम 30 दिन में 3 बार हर वो व्यक्ति ले सकता है जिसको चोरी करने की सामान बुरी आदत है और वह चोरी करने के बाद उस बात को भूल जाता है। तो अगर यह आपके इंपल्सिव रिएक्शन होता हो कि आपको चोरी करना अच्छा लगता हो और चोरी करने के बाद सामान आप भूल जाते हो, तो एब्सिंथिनम बहुत अच्छी दवा है। यह दवा आपकी चोरी की आदत को छुड़ा के आपको सामान कर देगी। फिर साथियों, एक स्थिति आती है कि किसी को कोई मेनिया हो गया हो। मेनिया मीन्स कोई भी एकदम से इंपल्सेस आती हो और वह चोरी करता हो, तो अगर यह स्थिति हो तो इसको ठीक करने की भी होम्योपैथी में दवा है और दवा का नाम है स्ट्रेमोनियम। आप स्ट्रेमोनियम 32 दिन में 3 बार हर उस मरीज को दे सकते हैं जिसकी सामान चोरी करने की आदत है और जब वो मेनिया उसको कोई आता है उसी समय चोरी करता है, नहीं इंपल्स आती है, इंपल्स पे सामान चोरी करता है, तो उसकी ड्रग ऑफ द चॉइस ठीक करने की स्ट्रेमोनियम है। यह दवा उसको ठीक करके स्वस्थ कर देगी। फिर साथियों, एक स्थिति आती है कि किसी में यह क्लेप्टोमेनिया की आदत हो यानी बिला वजह जरूरत ना होने पर भी सामान चोरी करने की आदत हो, उसको झूठ बोलने की बहुत आदत हो, तो अगर कोई व्यक्ति हो जिसको झूठ बोलने में बड़ा मजा आता हो, लाई बोलने में बहुत मजा आता हो और उसमें यह चोरी करने की बुरी आदत हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा कैल्केरिया कार्ब है। कैल्केरिया कार्ब 30 में 2 बूंद दिन में 3 बार हर वो व्यक्ति ले सकता है जिसको सामान चोरी करने की आदत है, साथ में झूठ बोलने की आदत है और वह डरपोक टाइप है। और खास तौर से औरतों में यह दवा लेडीज में बहुत सूट करती है अगर वह फेयर फैट एंड फ्लैबी है यानी गोरी है, मोटी है और थोड़ी सी थुलथुल है और उनके सर से बहुत पसीना आता है, इतना पसीना कि जो आप तकिया रात में लेटते हैं उस तकिए को भी नीला कर देता है। तो अगर यह सारे सिम्टम्स हैं तो आपके क्लेप्टोमेनिया को छोड़ने की आदत और आपको इस सामाजिक बुराई जिससे आप औरों से ज्यादा खुद अपने से परेशान हैं वह निकालने की दवा कैल्केरिया कार्ब है। फिर साथियों, एक स्थिति आती है उन मरीजों में कि जिनको एपिलेप्सी हो। एपिलेप्सी के मरीजों को देखा गया है कि ये चोरी करने की आदत समान बहुत होती है। अगर यह स्थिति है किसी पेशेंट को एपिलेप्सी का पेशेंट है और उसको क्लेप्टोमेनिया भी है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है आर्टिमीजिया वल्गैरिस। आप आर्टिमीजिया 30 में 2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दे सकते हैं जिसको एपिलेप्सी के फिट पड़ते हों और उसको चोरी करने की समान आदत हो। यह दवा उसके एपिलेप्टिक फिट्स को भी ठीक करेगी और उसके समान चोरी करने की आदत को भी खत्म करेगी। एक साथियों सिम्टम आता है इसमें कि आपने सामान चोरी करा दूसरे के यहाँ से और फिर आप लड़ने लगे। तो अगर आपने सामान चोरी करने की आदत है उसके बाद फिर आप लड़ाई भी बहस और लड़ाई भी करने पे उतारू हैं या आपको मजा आ रहा है उसमें, तो उस आदत को छुड़ाने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है बेलेडोना। आप बेलेडोना 200 में 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपकी यह जो चोरी करने की आदत है सामान को बगैर जरूरत होने पर भी इसको भी खत्म करेगी और आपका जो लड़ने झगड़ने की आदत है उसके बाद जो चोरी ऊपर से सीना जोरी, तो वह जो कैफियत है उसको खत्म करके आपको एक अच्छा नागरिक बना के दूसरों की नजर में एक बेहतर स्थान दिलाएगी। फिर साथियों, की स्थिति आती है उन लोगों में जो लोग दुखी रहते हैं, कमजोर बने रहते हैं लेकिन फिर भी चोरी करते हैं, तो अगर उनमें जरूरत ना होने पर भी सामान चोरी करने की यह बुरी आदत हो, क्लेप्टोमेनिया के मरीज हो, उनको ठीक करने की होम्योपैथी बहुत कारगर दवा थूजा ऑक्सीडेट डायलिस है। आप थूजा 200 में 2 बूंद में 3 बार ले सकते हैं जो कि लो मूड लोग हों लेकिन चोरी करने की आदत ना जाती हो, उनके लिए ड्रग ऑफ द चॉइस थूजा है। फिर साथियों, एक स्थिति आती है कि आपको नशा करने की बहुत आदत है और नशा करने में आप सामान चुराते हैं। नशा करने के लिए नहीं सामान चुराते लेकिन नशा कर लेते हैं उसके बाद आप जो है वो सामान चुराते हैं, तो अगर आपका सामान चोरी करने का दुकानों से मन करता है, तो अगर यह स्थिति आप में है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी बहुत कारगर दवा है ओपियम। ओपियम 32 बूंद हर
दिन में 3 बार हर वो मरीज ले सकता है जिसको बगैर जरूरत के भी दूसरे के घर से सामान चोरी करने की आदत हो, झूठ बोलने की आदत हो और नशा करने की आदत हो। ओपीएम उसका ड्रग ऑफ द चॉइस है, यह दवा उस मरीज को ठीक कर देगी। ओपीएम साथियों खर्राटे की भी बहुत अच्छी दवा है, तो अगर किसी को खर्राटे आते हैं और इस तरह की आदत भी उसमें है तो वह दवा खर्राटे भी छुड़ाएगी और आपकी इस आदत को भी खत्म कर देगी। फिर साथियों एक स्थिति आती है चोरी की उन लोगों में जो नशेड़ी है, साथ में जो है वो जुआरी भी है, जुआ खेलते हैं। तो इस तरह के लोग जो सड़कों पे घूमते हैं, जो नशेड़ी भी हैं, नशा भी करते हैं, तरह तरह का एडिक्शन उनमें है और वह जुआ ताश पत्ता भी खेलते हैं, गेम्बिल करते हैं और अपने को सड़कों पे घूमा करते हैं कि अगर कागज का भी ताज सर पे लगा लिया तो सोचेंगे राजा है। तो उस तरह के लोग होते हैं और छोटी मोटी चोरी करते रहते हैं, आदत उनमें होती है और उसकी कदर नहीं करते। वो चोरी करते हैं उसका उसकी कदर नहीं करते, वो चोरी सिर्फ आदत के कारण करते हैं। तो ऐसे लोगों को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा सल्फर है। सल्फर वाली इनकी 3 खुराक पर 5 मिनट के फासले पर आप हर उस व्यक्ति को देके उसकी मदद कर सकते हैं जो कि चोरी की आदत हो, जुआ नशा पत्ती की आदत हो, पत्ता खेलने की आदत हो, सड़कों पे घूमा करते हो, गंदे से दिखते हो, नहाते बहाते ना हो, उन सबकी होम्योपैथी में ठीक करने की दवा सल्फर है। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपने सामान चोरी करा फिर आप रोने लगे, आप दुखी हो गए, आप रोने लगे, लेकिन सामान फिर भी आपने बगैर जरूरत के दूसरे की दुकान से चोरी करा या घर से उसके चोरी करा। तो अगर यह स्थिति आपको हो कि आप सामान चोरी करते हो फिर आप बहुत दुखी हो जाते हो, आपको बड़ा ही अपने में ग्रीफ और हीन भावना महसूस होती हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा पल्सेटिला निग्रा है। आप पल्सेटिला 30 पावर में 2-2 दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका जो है चोरी करने की आदत भी छूटेगी, दुखी रहने की आदत भी छूटेगी और पल्सेटिला के मरीज को प्यास आमतौर पर नहीं लगती, आप इसके बाद पानी भी खूब पीने लगेंगे और मस्त रहने लगेंगे। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि सामान चोरी करने की आदत, जो जरूरत ना उसको चोरी करने की आदत आप में हो और आप उस अपने को रोक ना पाते हो, आपको कॉन्सिक्वेंसेस पता है कि हो सकता है आप जेल तक पहुंच जाए, हो सकता है आपके परिवार में बुला के दुकानदार ये बात कहे उस आपके घर घर वालों से कि इनको तो चोर है, इनको तो चोरी करने की आदत है, लेकिन फिर भी आप चोरी करें। तो अगर आप अपने को रोक ना पाए, वो जो इररेसिस्टिबल डिजायर हो आपकी इस विषय पे, उसको ठीक करने की होम्योपैथी बहुत कारगर दवा है स्टेफिसैग्रिया है। आप स्टेफिसैग्रिया 2-2 दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपके यहाँ चोरी की आदत भी खत्म हो गई और यह जो इम्पल्स है चोरी करने की वह भी खत्म हो गई और आप एक अच्छे नागरिक अच्छे इंसान के रूप में समाज को दिखने लगे। ये कुछ दवाएं थी साथियों, आपको जो सामाजिक रूप से आप तब जाते हैं अपनी ही गलतियों कारण, वो भी आप की जरूरत की गलतियां नहीं होती हैं लेकिन आपसे इम्पल्स करा देती है, तो इन दवाओं आपको उसको निकालने में आपकी मदद करेंगी, इन दवाएं आपको उससे बाहर निकालने में मदद करेंगी, आपको ठीक करेंगी। दवाएं बताई आपको, लेकिन एक जानकारी दे देना चाहता हूं कि यह दवाएं किसी कुशल चिकित्सक से पूछ के लीजिएगा, क्योंकि मेंटल कंडीशन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और जो सामने आपके साइकियाट्रिस्ट बैठा है वही आपको सही सलाह दे पाएगा। आपके मन में साथियों कोई क्वेरी हो तो अपने क्वेरी को आप नोटिफिकेशन पैनल में लिख सकते हैं या हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्वेरी को व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोशिश करूंगा आपको संतोषजनक जवाब मिल पाए। अगर साथियों आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही पाते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।